भजन संहिता अध्याय 77। भजन संहिता अध्याय 77। मैं परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दोहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कह रहा हूं, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूं, तू मुझे झपके लगने नहीं देता। मैं ऐसा घबराया हूं कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युगो युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और अपने मन में ध्यान करता हूं और मन में भली भांति विचार करता हूं, क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न न होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? मैंने कहा, यह तो मेरी दुर्बलता ही है, परंतु मैं परम प्रधान के दाहिने हाथ के वर्षों को विचारता हूं। मैं यहां के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा, मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ, फिर तेरे तीर इधर उधर चले, बवंडर में तेरे गर्जने का शब्द सुन पड़ा, जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होते। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की।